हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई रियली होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 4th नवंबर, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। महालक्ष्मी हम सब पर धन की बरसात करे और हम सबको खुशहाल रखे। और धन से भी इम्पॉर्टेंट है कि हम सबको स्वस्थ रखे, सेहतमंद रखे, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हेल्थ अच्छी है तो वेल्थ भी मिल जाएगी। तो आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, और कोविड के बाद से तो सबको ही पता है कि हेल्थ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड अगेन आई विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। हैव अ वंडरफुल डे एंड अ ब्राइट एंड प्रॉस्पियर ईयर अहेड। और यहाँ पर दिवाली की छुट्टी नहीं होती है, तो आहान गया हुआ है स्कूल और अरुण इज़ वर्किंग, तो मैं ही हूँ। तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ ताकि मुझे फील आए कि आज दिवाली है, कोई सेलिब्रेशन है। तो मैंने बहुत सारी DIY डेकोरेशन भी करी है, तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी कि मैंने कैसे कैसे बनाया था और क्या बनाया हुआ है। और इस बारी यहाँ पर जो दिवाली है उसमें कुछ भी नहीं होने वाला है जो हमारे नज़दीक है। हमने सर्च करा था कोई इवेंट होगा तो वहाँ जाएंगे, बट नहीं मिला। एक दिवाली मेला था वो भी कैंसिल हो गया, क्योंकि जो वेदर है वो सडनली बहुत ठंडा हो गया, तो जो आउटडोर एक्टिविटी थी वो कैंसिल हो गई। तो इस बार कोई दिवाली मेला भी नहीं है, कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा सेलिब्रेशन नहीं दिख रहा मुझे नज़दीक जहाँ जहाँ मैंने सर्च करा था। तो घर पर ही मनाएंगे कुछ अच्छे से, देखते हैं क्या करते हैं। दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है कि जिसमें मुझे घर वालों की सबसे ज़्यादा याद आती, क्योंकि वहाँ पर सब लोग मिलते हैं, पूरे साल इंतज़ार करते हैं दिवाली का, लाइटिंग लगाते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है, जो कि यहाँ पर नहीं हो पाता है इतना। बट वी आर वेरी मच एक्साइटेड फिर भी। मैंने इस बार दिवाली में कोई मिठाई नहीं बनाई है, सब बाहर से ही लेकर आए हैं। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ आमंड की मीठी पूरी। मैंने 1 कप मैदा लिया है, उसमें 1/2 कप सूजी और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और थोड़ी सी शुगर ऐड कर दी है, और थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर दूंगी और इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो इसमें 3 टेबल स्पून घी भी ऐड कर दूँगी। और मैंने कुछ आमंड भिगो कर रखे हुए हैं, तो मैं इनका पेस्ट बना लूँगी और वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। तो मैं इस आटे को दूध के साथ लगाऊंगी, पानी के साथ नहीं लगाऊंगी। इतनी बनाने के लिए मैंने 2 कप चीनी ली है और उसमें 1.5 कप पानी लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा केसर डाला था तो उसका कलर चेंज हो गया है, और जो आटा था वो भी इस तरीके का लगा है मेरा, क्योंकि मैंने सूजी ज़्यादा ऐड करी थी इसलिए जो आटा है वो थोड़ा सा फट रहा है किनारों से। अगर आप लोग मैदा ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो नहीं फटेगा, बट मैंने हेल्दी बनाने के चक्कर में सूजी ज़्यादा ऐड करी। अब मैं इसको बेल कर इसके बीच में घी लगाकर ट्रायंगल शेप की पूरियां बना लूँगी। मैंने सारी पूरियां बेल कर रख ली है, अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पर डीप फ्राई करूंगी, और उसके बाद जो मैंने चाशनी बनाकर रखी थी मैं उसमें डाल दूंगी। तो चाशनी बहुत ठंडी नहीं होनी चाहिए, हल्की गर्म रहनी चाहिए। तो मैं इसको 1 या 2 मिनट के लिए ऐसे ही चाशनी में रहने दूंगी और इनको पलट लूंगी। तो जो आमंड पूरियां हैं वो तैयार हैं। तो अभी 1 बज चुके हैं दिन के, और अरुण गए हैं आहान को लेने के लिए स्कूल। उसका 9 से 1 स्कूल होता है, तो वो गए हैं स्कूल। और मैं सोच रही थी कि मैं रंगोली बना लूं, बट अंदर हमारे यहाँ कारपेट है तो कारपेट में रंगोली नहीं बना सकते हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि बाहर बालकनी में बना लूं। वैसे मैंने पेपर की रंगोली बनाई है अंदर के लिए, एक ऐसी रखने के लिए। तो अगर बाहर बहुत ठंड नहीं होगी तो मैं बालकनी में बनाऊँगी एक छोटी सी रंगोली। और लंच भी मेरा बन गया है आधा, मैं छोले भटूरे बना रही हूँ, तो छोले बन गए हैं और भटूरे बनाने हैं। तो जब ये लोग पहुँचते हैं तो मैं उसके बाद बनाऊँगी भटूरे। और जो मेरी वॉल्स थी वो भी ऑलमोस्ट सब तैयार हैं। तो सारी डेकोरेशन हो गई है दिवाली की, तो इवनिंग में देखते हैं कैसे सेलिब्रेट करते हैं दिवाली। और हम लोगों का ना ऐसा कोई प्लान नहीं है, मैंने बहुत सर्च करा बट ऐसा कोई इवेंट नहीं दिख रहा मुझे दिवाली वाला हमारे नज़दीकी। तो हमारे कोई फ्रेंड हैं तो वो आने वाले हैं रात को डिनर में, तो बस दोनों मिलकर ही दिवाली सेलिब्रेट कर लेंगे। How was your day? Good. Oh, careful. Okay.
आहान स्कूल से आ गया है तो मैं अब भटूरे बना लेती हूँ गरम गरम, जिसके लिए मैंने लिया है टॉर्टिया। मैं इंस्टेंट भटूरे बना रही हूँ, तो मैंने टॉर्टिया को गरम तेल में डाल दिया है, तो ये जैसे भटूरा बनता है बिल्कुल वैसे ही बनता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और छोले मैंने पहले ही बना लिए थे, तो अभी हम लोग कर लेते हैं अपना लंच। ईट योर फूड। आना कैसे लग रहा है मम्मा के दिया? गुड। अच्छे लग रहे? Here is money, dollars to mine. Anna, where are your new clothes? उसको भी पहना दो। जितनी देर में हम पूजा करते हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने जो DIY डेकोरेशन करी थी, पेपर के दिए और जो गार्लैंड बनाया था वो कैसे बनाया था। तो आप लोग मेरी डेकोरेशन एंजॉय कीजिए, मैं पूजा कर लेती हूँ। हे गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि दिवाली का टाइम है और दिवाली जो फेस्टिवल है वो है डेकोरेशन का। तो मार्केट से ख़रीद कर तो कोई भी डेकोरेशन कर सकता है, उसमें बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट थोड़ी सी मेहनत है। थोड़ी सी मेहनत करके जो डेकोरेशन करते हैं उसमें और ही मज़ा आता है, वो थोड़ी अलग सी फीलिंग आती है उसमें कि हाँ कुछ डेकोरेशन हुई है। तो मैं बनाने वाली हूँ पॉम पॉम के गार्लैंड, उसके लिए मैं लेकर आई हूँ ऊन। पॉम पॉम बनाने के लिए मैंने एक ऊन का धागा लिया है और मैं इसे अपने हाथ में इस तरीके से मैंने काउंट करा है। मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए तो मैं इसको 40 बार ऐसे लपेट लूँगी हाथ में, 40 बार। और इसको ऐसे टाइट बांध लेना है ताकि ये खुले नहीं, सिर्फ बहुत टाइट बांधना है बीचों बीच। और फिर इसे किनारों से ऐसे काट देना है बराबर बराबर। तो इसी तरीके से मैं सारे जो पॉम पॉम है वो बना लूंगी और उसके बाद मैंने पॉम पॉम का ही गार्लैंड बनाना है। सारे पॉम पॉम बन गए हैं और मैंने सुई और धागे की हेल्प से एक गार्लैंड बना लिया है। तो ये फाइनल लुक इसका कुछ इस तरीके का है, बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो अभी मैं बना रही हूँ क्रीप पेपर के फ्लावर। तो मैंने रेड और येलो कलर के क्रीप पेपर लिए हैं, आप और कलर के क्रीप पेपर भी ले सकते हैं। तो जो पेपर होता है उसके बीच से सुई से सिलते जाना है इसको। फाइनली गार्लैंड बन गया है, तो मैंने इसे डोर पर हैंग करा, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, बट थोड़ा सा छोटा हो गया है। अब मैं बना रही हूँ पेपर के दिए। तो मैंने मल्टी कलर के पेपर लिए हैं और मैंने पेपर को फोल्ड करके उसमें जो चूड़ी होती है उसकी हेल्प से सर्कल बना लिए हैं। तो एक पेपर में जितने ज़्यादा सर्कल आएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है कि ज़्यादा दिए बन जाएंगे। और उसके बाद मैंने सीजर की हेल्प से इन सर्कल को कट कर लिया है।
एक दिया बनाने के लिए मैंने 4 सर्कल लिए हैं और मैं इनको एक एक करके ऐसे ही फोल्ड कर दूंगी। तो पेपर के दिए बनाना बहुत ही इजी है और मज़ा भी आता है इसको बनाने में। और अब मैं बना रही हूँ लॉ, जो दिए में जो लॉ निकलती है वो। तो मैंने येलो कलर का पेपर लिया है उसके लिए और उसको भी मैं फ़ोल्ड कर दूंगी ताकि एक पेपर से बहुत सारी लॉ बन जाएं। और पहले मैं इसमें ड्रॉ करूंगी, उसके बाद सीजर की हेल्प से मैं इसे कट कर लूंगी। अब मैं ग्लू की हेल्प से जो मैंने सर्कल काट कर फोल्ड करके रखे हुए थे वो एक एक करके चिपका लूंगी। और जो लास्ट वाला सर्कल है उसको मैं बाद में चिपकाऊंगी, बीच में पहले मैं धागा लगा लूंगी, उसके बाद जो लास्ट वाला सर्कल है उसको चिपकाऊंगी तो दिया बन जाएगा। तो ये दिखने में जितना मुश्किल लगता है ये बनाने में उतना ही ईजी होता है, इतना मुश्किल नहीं होता है। और अब मैंने जो लॉ बनाने के लिए पेपर कट करके रखा था उसको भी मैं चिपका लूँगी और दिए के ऊपर रख दूँगी तो जो दिया है वो बन जाएगा। तो पेपर का दिया बनाना बहुत इजी है और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं जब हम इनको वॉल पर हैंग करते हैं। और ये है पेपर के दियों का फाइनल लुक। और अभी ना यहाँ पर जो सीजन है वो है फॉल का सीजन, तो फॉल डेकोरेशन के लिए जो लीप्स आई थी वो मैं कुछ खरीद कर लाई थी तो मुझे लगा मैं दिवाली में ही लगा लेती हूँ ये। और ये है हमारे घर का फाइनल लुक। तो मैंने पेपर का लोटस भी बनाया है और मैंने रंगोली भी प्रिंट आउट करी है। और ये वॉल है और यहाँ पर मैंने दियों के साथ कुछ लाइट भी लगाई हैं तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पर इंडिया जैसा नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा दिवाली की डेकोरेशन के लिए लाइट्स तो मिलती हैं हर जगह ही बट और चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि कैसा लग रहा था। मैंने जितना मुझसे हो सका मैंने किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कुछ बना के किया है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग आई। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। डिनर भी तैयार है तो हम लोग डिनर कर लेते हैं क्योंकि हमारे फ्रेंड्स भी आ गए हैं। उसके बाद हम लोग कुछ क्रैकर्स लेकर आए हैं बच्चों के लिए तो वो जलाएंगे। दिलावली, हैप्पी दिलावली। आई होप यू हैव अ ब्लेस्ड हेल्दी एंड प्रॉस्परस दिवाली। अ वेरी हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। सारा बिल्कुल नहीं जानती है, बिल्कुल नहीं जानती है ये। आज भी नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता किसको लगा देगा ड्रेस पे।